वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मलाड वेस्ट में 18 प्लस के लोगों के लिए निर्धारित शुल्क पर कोविड 19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली। इस मौके पर स्थानीय भाजपा खासदार गोपाल शेट्टी के हाथों शिविर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान नगर सेविका जया तिवाना भी उपस्थित रही। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के तीसरे चरण से निपटने के लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। इसी क्रम में मुंबई भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के अगुवाई में विभिन्न जगहों पर 18 से 44 वर्ष के युवाओं को निर्धारित शुल्क से वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। स्थानीय कपोल बैंकेट हॉल कांचपाड़ा नंबर 1 मलाड वेस्ट के शिविर उद्घाटन में आए सांसद गोपाल शेट्टी ने SNI से खास मुलाकात के दौरान कहा कि रक्षक टीकाकरण सभी के लिए आवश्यक है। दुनिया इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रही है। केंद्र सरकार ने पहले चरण में लोगों को मुफ्त टीका वितरित किया। 18 से 44 आयु के वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 तारीख से निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। इस अवसर पर स्थानीय नगर सेविका जया तिवाना ने बताया कि कई युवाओं ने उनसे पढ़ाई या रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए बात कही। जीवन रक्षा और कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, इसलिए 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व युवा मोर्चा का धन्यवाद है। इस अवसर पर शिविर के आयोजक व मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा, यह शिविर कामकाजी युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के बैनर या झंडे का उपयोग नहीं किया गया है, यह भी लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के शिविर का आयोजन उनके द्वारा होता रहेगा। वहीं खास बात यह रही कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना शिविर के दौरान टीकाकरण के दौरान सुबह से लेकर शाम तक खुद वहां पर मौजूद रहे और वहां की व्यवस्थाओं पर ध्यान देते नजर आए। नहीं, ये रक्षा टीकाकरण का बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और ऐसे समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण किया, वैक्सीन लगाने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। पहले चरण में मुफ्त में जो एजेड लोग हैं, जिनको कोमोरबिडिटीज दूसरी तीसरी बीमारी है, ऐसे सारे लोगों को टीकाकरण किया और उसके बाद में 25 और अभी 18 साल तक के लोगों का करने का उन्होंने घोषणा किया। देश के कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने पहले मुफ्त में देने की बात कही, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से हम करेंगे, आप क्यों करते हो। उनको परमिशन दी गई, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया और फिर उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री को निवेदन किया कि आप ही करिए। और देश के प्रधानमंत्री ने भी 21 तारीख से सबको निःशुल्क टीकाकरण करने का घोषणा की है। लेकिन साथ साथ में प्रधानमंत्री ने इस बात का भी अपील किया कि जो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे सारे लोगों ने सामने आकर टीकाकरण करवाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई जैसे शहर में महापालिका के माध्यम से जो हुआ वो 23 से 25% तक हुआ और प्राइवेट पैसे देकर 75% लोगों ने अभी टीकाकरण करवाया है। आज मैं 3 कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। युवा मोर्चा के ओर से तेजिंदर तिवाना जी ने 2 कार्यक्रम का आयोजन किया है, मलाड ईस्ट में विनोद सेलार जी ने 1 कार्यक्रम का आयोजन किया है और बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता युवा मोर्चा के आगे आकर इस अभियान को सफल बनाने के काम में लगे हुए हैं। मैं इस हॉल के मालिक ट्रस्टी जो है जीतू भाई, उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने निःशुल्क इतना बड़ा हॉल यहाँ पर उपलब्ध करके दिया है। हम सब लोग मिलकर अगर साथ में करेंगे तो हम बहुत तेज़ी से ये टीकाकरण का जो अभियान है उसको सफल कर सकते हैं और लोगों की जान माल की रक्षा कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि पीएम मोदी जिस तरह से लोगों की सहभागिता मिल रही है, पीएम मोदी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर विपक्ष में बैठे हुए पेट्रोल के दाम और ऐसे सब फ्री वैक्सीनेशन जो नहीं हो रहे हैं अभी वैक्सीन प्लस को, उसके लिए वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी लोगों के सपोर्ट में नहीं है, लोगों का साथ नहीं, उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर लोगों का साथ नहीं होता तो ये 75% पैसा देकर जो टीकाकरण करवा रहे हैं वो आगे नहीं आते थे, क्योंकि 21 तारीख से तो निःशुल्क होने ही वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, आज यहाँ पर 1000 लोग टीकाकरण करवाने वाले हैं और ये सारे चीज़ों को देखकर जो विपक्ष के लोग हैं महाराष्ट्र में, खास करके शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है क्योंकि मतदाता उनसे नाराज हुए इस खास करके इस अभियान के बारे में। और विपक्ष का काम करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं। जनता ने हमको समर्थन दिया है, जनता ने हमको चुनकर दिया है, जनता ने मोदी जी की सरकार फिर एक बार स्थापित की है, 2024 में तीसरी बार करने वाले हैं, इसलिए जनता जो जवाबदारी देती है उसको बखूबी निभाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिलकर करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का ये उद्देश्य है कि जो 18 साल के ऊपर के युवक है
मुंबई के अंदर जो अपना व्यवसाय करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो नौकरियां करते हैं, ऐसे युवक वो जल्द से जल्द अपने काम पर जा सकें और वो अपने काम पर फोकस कर सके, इसलिए उनका जल्द से जल्द रसीकरण कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने समस्त मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये पेड वैक्सीनेशन है, उसके बाद भी जो अभी शुरुआत हुई और अभी लोगों की काफ़ी बड़ी क्राउड दिख रही है, किस तरह आप देखते हैं कि लोग कितने जागरूक हैं और टीकाकरण को लेकर? देखिए, लोग बहुत जागरूक है, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा एक मिसमैनेजमेंट देखा जा रहा है कि जो 18 और 44 साल के बीच का जो उम्र का वर्ग है उनको लसीकरण जो एक डिवाइड करके प्रॉपर देना था तो वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रही है सरकार के तरफ से। तो प्राइवेट प्लेयर्स एक ज़्यादा संख्या में पूरे मुंबई में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वो ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर पाए ना, ताकि सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन हो, तो ये बहुत बड़ी कमी है सरकार की। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बातों का कितना ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पी नॉर्थ बीएमसी का स्टाफ है जहाँ पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, वो खुद स्वयं यहाँ बैठ के चेक कर रहे हैं, तो व्यवस्था वैसी है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एसओपी और सब नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। हमने समस्त मुंबई में अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप उनके साथ टाई अप किया है, और जो मिनिमम एक जो प्राइस सेट सरकार की तरफ से किया गया है उसी प्राइस में सभी का जो लसीकरण लेने आए उनको दिया जा रहा है उसी व्यवस्था में। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का उद्देश्य ये है कि 18 साल के ऊपर के जो युवा वर्ग हैं मुंबई के, जो नौकरियों पर जाते हैं, उनका खुद का व्यवसाय है, जो स्टूडेंट्स है, ऐसा जो वर्ग है उनको जल्द से जल्द उनका टीकाकरण हो जाए ताकि वो अपने व्यवसाय अपने काम पर ध्यान दे सके, फोकस दे सके। यही हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ताओं की। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।